जय जगन्नाथ मु अमलान नायक आसंत नजर पकाइबा वर्तमान रा किछि बड मुख्य खबर उपरे जय जगन्नाथ नंबर 1 भर्तुहरी महताब संसद रा कामचोड़ा वाचस्पति नियुक्त कले राष्ट्रपति भर्तुहरी महताब हेले संसद रा कामचोड़ा वाचस्पति वाचस्पति निर्वाचन न हेबा पर्यंत से एही पदवी रा कार्य करबे संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजु कहिछन्ती जे धारा 95 1 अनुसारी भर्तुहरी महताब को कामचोड़ा वाचस्पति भाबरे राष्ट्रपति नियुक्त करिछन्ती सेही परि सुरेश डिकुनील टीआर बालू राधा मोहन सिंह फगन सिंह कुलस्ते एवं संदीप बंदोपाध्याय को कामचोड़ा वाचस्पति सहकारी भाव में कार्य करने को नियुक्त करिछन्ति राष्ट्रपति से अष्टादश वाचस्पति भाव में लोकसभा सांसद शपथ कराइबे कटक लोकसभा आसन बीजेपी सांसद भाव भर्तुहरी महताब जीति से बीजेडी संतृप्त मिश्र को परास्त करिछन्ति नंबर 2 नीट यूजी 2024 परीक्षा परिचालन प्रश्नपत्र लीक मामला सत मानिले गिरफ होइथिबा परीक्षार्थी नीट यूजी 2024 परीक्षा परिचालन प्रश्नपत्र लीक और दुर्नीति अभियोग नहीं गिरफ होता परीक्षार्थी अनुराग यादव स्वीकार करते दिजाइवा लीक प्रश्नपत्र प्रकृत परीक्षा प्रश्नपत्र सहित मेल खाऊ बिहार दानापुर टाउन काउनसिल नियोजित जड़े इंजीनियर फणजा यही स्वीकार करने प्रश्नपत्र लीक आहरी स्पष्ट होते बड़े से परीक्षापी बसी प्रकृत प्रश्नपत्र प्रदान करतेमू पूर्व प्रश्नपत्र सहित मेल खाऊला छात्र चिठी स्वीकारोक्ति चिठी में यादव दस्तखत रही नीट यूजी 2024 परीक्षा परिचालन प्रश्नपत्र लीक और दुर्नीति अभियोग नहीं होता आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट मंगलवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करी आशायी और सेना अभिभावकों अभियोग सर्वोच्च न्यायालय कहते सामान्य अवहेला बरदास्त करा उचित नुहे नंबर 3 धान क्विंटाल 3100 मंत्री कृष्णचंद्र पात्र भुवनेश्वर खोलिबो चाउल एटीएम खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना राशन कार्ड हिताधिकारी खोलिबो चाउल एटीएम हिताधिकारी कार्ड दिजिव से चाउल उठाइबे मेसिन ले कार्ड गळाइले बाहर चाउल आगामी सप्ताह को मध्य भुवनेश्वर आरंभ करवस्था पर राज्य सबू जिले में खोल एटीएम मंत्री श्री पात्र कहते चाषी धान क्विंटाल 3100 टकर निर्वाचन इस्ताहारे खरीफ ऋतु चाषी को 3100 टंका देबु केन्द्र सरकार धान क्विंटाल प्रति 2300 कला परे आमको सुविधा होची आमको 917 टंका अधिक देबाको पड़िथांता एबे 800 टंका पड़िबो चासी धान देबार 48 घंटा मध्यरे प्राप्य पाइजिबे कोनोसी कटनी छटनी कराचिबनी कटनी छटनी कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो नंबर 4 आज मध्य सकाळुआ पाठ पढ़ाकू जिबे पिला आसंता काली ठारु स्वाभाविक भाबे परिचालन हेबो विद्यालय राज्य रे विद्यालय गुड़िक आज मध्य सकाळुआ हेबो पिलामाने सकाळु पाठ पढ़ाकू जिबे प्रबल खरा और ग्रीष्म लहरी को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती खरा और गुळगुळी को दृष्टि रे रखी विद्यालय रे पिलामानकर पढ़िबार समय सकाळुआ स्कूल कर दिया जाइछी विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु कुआ जाइछी जे राज्यर समस्त सरकारी बेसरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत आज सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत खोला रहइबो आसंता काली ठारु स्वाभाविक भाव में विद्यालय परिचालना हेब राज्य गत एप्रिल 25 तारीख ठार् जून 17 तारीख जाए ग्रीष्म छुट्टी गत 18 तारीख ठार् राज्य अधिकांश जिले में विद्यालय गुड़िक खुली किसी जिले में ग्रीष्म छुट्टी जून 20 जाए बढ़ाई दी जा नंबर 5 बारबाटी को फेरला अंतर्जातीय मैच ओडिशार क्रिकेट प्रेमिक पाई खुशी खबर कटकर बारबाटी स्टेडियम को फेरला अंतर्जातीय मैच 2025 फेब्रुआरी 9 तारीख में मुहांमुही हेबो भारत इंग्लैंड दिनिकिया सीरीज्र द्वितीय मैच बारबाटी खेल एने सूचना बीसीसीआई एने विज्ञप्ति जारी करसीआई मिली सूचना मुताबक आसंता वर्ष जनवरी 22 तारीख में इंग्लैंड दल भारत गस्तरे आसी 5टी टी20 एवं 3टी दिनिकिया मैच खेल यह भितर द्वितीय दिनिकिया मैच टी कटक खेल सीरीज्र प्रथम टी20 मैच चेन्नई होगा बेले द्वितीय टी20 कोलकाता तृतीय टी20 मैच राजकोट चतुर्थ टी20 मैच पुणे और पंचम तथा शेष टी20 मैच मुंबई में खेल फेब्रुआरी 6 तारीख रु दिनिकिया सीरीज आरंभ हो दिनिकिया सीरीज्र प्रथम मैच नागपुर में खेल बेले द्वितीय मैच कटक बारबाटी और तृतीय मैच अहमदाबाद में खेल नंबर 6
ସତେଇଶରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓ 30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ବା ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ। 24 ଓ 25ରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 60ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଦିନରେ 40ରୁ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 48% ରହିଛି। ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଏହାସହ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ତଥା ପବିତ୍ର ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗାରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଗୃହ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହର ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ଗୃହର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ମାନ ଓ ଗାରିମା ରକ୍ଷା କରିବା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ମୋର ଏବଂ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତା ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। 108 ଘର ଆଶୁଭାଷିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ 108 ଘର ଆଶୁଭାଷିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ହାତୀ ବେଶର ସାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପହୁଡ଼ ପରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ଓ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆଁ ସେବକମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବେ। ଏଥିସହ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 9 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଅର୍ଥ। ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଜମା ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। କଟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟର୍ସ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ କଟକ ଓପିଆଇଡି କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କଟକ ଓପିଆଇଡି କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ 26 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ମାମଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ ଓ ହାଇଟେକ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସରେ 4.72 ଲକ୍ଷ ଓ ହାଇଟେକ୍ରେ 10,000 ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। 2 କମ୍ପାନୀର 8,000 ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରାଯିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନେ କିପରି ଅର୍ଥ ଫେରିପାଇବେ ସେ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓପିଆଇଡି ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ
सरकार तेणु बजेट प्रस्तुति में साधारण लोकों मतामत तथा प्रस्ताव ग्रहण करवा आवश्यक अटे। तेणु बजेट प्रस्तुति को सूचना और प्रसारण प्रजुक्ति विद्या मध्यम अधिक उन्मुक्त और सहभागिता भित्तिक आवश्यकता रही। एथिपाई अर्थ विभाग एक स्वतंत्र वेब पोर्टाल जरिया ईमेल व्हाट्सएप और एसएमएस मध्यम मतामत संग्रह करने को योजना करुछन्ति। वर्तमान 2024-25 वर्षर पूर्णांग बजेट प्रस्तुति पाई अर्थ विभाग जनसाधारण मतामत संग्रह करने निमन्ते एक निर्दिष्ट ढांचे परामर्श आह्वान करुछन्ति। नंबर 11 आसंता 9 मास पर्यंत उज्ज्वल योजना लाभार्थी को मिलिब सब्सिडी। केन्द्र को पुणी नरेन्द्र मोदी सरकार फेरी नुआ सरकार फेरवा सह यह स्पष्ट होइछि जे लाभार्थी को केन्द्र सरकार अलग अलग योजनार लाभ मिल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्ज्वला योजना अर्थात पीएमयूआई लाभार्थी को 300 टंकार सब्सिडी मिल। तेबे एही सब्सिडी आगामी 9 मास पर्यंत मिल। देशर राजधानी दिल्ली में साधारण ग्राहकों को एलपीजी सिलिंडर 803 टंकार मिलुछि। सेहिभली उज्ज्वला लाभार्थी को 300 टंका छाड़ करागले 503 टंकार सिलिंडर मिल। मार्च मासरे केन्द्र सरकार कैबिनेट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार उपभोक्ता 300 टंकार सब्सिडी जारी रखा मंजूरी देते। योजनार लाभार्थी को यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 पर्यंत मिल। यार अर्थ जे आगामी 9 मास पर्यंत ग्राहकों 300 टंका छाड़ लाभ मिल पार। नंबर 12 रूस युक्रेन युद्ध रोकीदे हेले देशरे पेपर लीक रोकी पारे नीट एवं नेट विवाद भितरे मोदी को राहुल को सीधा निशाना कहुच्छे। नरेन्द्र मोदी युक्रेन रूस युद्ध रोकीदे इस्राएल और गाजा भितरे चली युद्ध रोकीदे कौनसी ना कौन कारण देश में जो पेपर लीक होती नरेन्द्र मोदी रोकी पार्टी ना पेपर लीक रोकवाक चाहूना। गुरुवार पेपर लीक प्रसंगे सांबादिक सम्मिलन करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसी एभली ढंग से सीधा निशाना कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीट को नहीं देश में चर्चा थमि नथिबा बेले बुधवार यूजीसी नेट परीक्षा को मध्य रद्द घोषणा करिछि केन्द्र शिक्षा मंत्रालय। आउ ए दुईटी परीक्षा को नहीं केन्द्र सरकार को घेरी कांग्रेस दलर सांसद राहुल गांधी एक घटना को नहीं सांबादिक सम्मेलन करने सहित खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीर मारिछन्ति। नंबर 13 इतिहास रचिले भारतीय वंशभव। इतिहास रचिले भारतीय वंशभव महाकाशचारी सुनीता विलियम्स तृतीय थर पर महाकाश यात्रा करिछन्ति। अमेरिकीय महाकाश संस्था नासा पक्षरु अंतरिक्ष अभिमुखे उड़ाण भरिछन्ति सुनीता। जून 5 तारीख दिन केप कानभेराल रु आरंभ होइछि सुनीता महाकाश यात्रा। सहकर्मी बेरी बुज सहित तृतीय थर पर महाकाश को यात्रा करिछन्ति सुनीता। फ्लोरीडार केप कानभेराल स्पेस फोर्स स्टेशन युनाइटेड लॉन्च अलायंस अटलास भी रॉकेट एवं बोइंग स्टालिन महाकाश जानरे निर्धारित समय अनुसार उभय महाकाश को यात्रा करिछन्ति। तेबे भारतीय समय अनुसार राति प्राय 8:22 से महाकाश को यात्रा आरंभ करिछन्ति। एही जान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ले राति 9:45 पहुंचिबो। नंबर 14 विश्वर सर्वोच्च रेल ब्रिज रे गड़िला ट्रेन। भारतीय रेल गुरुवार जम्मू काश्मीर विश्वर सर्वोच्च रेल ब्रिज रे ट्रेन रो सफल ट्रायल रन करिछि। नूतन भाबे निर्मित चेनाब रेल ब्रिज रामबान जिलार सांगल डान एवं रेसी मध्यरे निर्मित एही लाइन ले थिबा खूब शीघ्र रेल सेवा आरंभ हेबो बोली अधिकारी माने कहिछन्ति। नंबर 15 आज राज्यस्तरीय योग दिवस पालिब ओडिशा। आज आंतर्जातीय योग दिवस निरोग और सुस्थ मन पाई आवश्यक योग जहां प्रधानमंत्री मोदी को पाई एक गुरुत्वपूर्ण दिवस। एथिपाई जम्मू काश्मीर गस्तरे मोदी गुरुवार श्रीनगर रे किछि प्रकल्पर लोकार्पण करबा परे आज योग दिवस कार्यक्रम रे योग देई सेही ठारु ही सारा भारतवासी को उद्बोधन देबे मोदी। एथरो ओडिशा रे बीजेपी सरकार हेबा परे ओडिशा रा सब जिला रे एथरो योग दिवस पालन करा जिवो। एथिपाई जारी होई जाइछि मंत्रीमानक तालिका केउ जिले केउ मंत्री उपस्थित रहिबे एहाकु नै मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु एक नोटिस जारी करा जाइछि। एही अवसर रे मोहन चरण माझी आज कलिंग स्टेडियम ठारे सकाळ 7:00 समय रे आयोजित राज्यस्तरीय योग दिवस कार्यक्रम रे जोग देबे। राज्य मंत्री मंडल सदस्य गण सांसद और विधायक गण मध्य जिला स्तर रे आयोजित कार्यक्रम रे जोग देबे। नंबर 16 दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ आश्वस्ति। मद घोटाला मामला रे कोर्ट रु मिलला जमीन। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ आश्वस्ति। कोर्ट केजरीवाल को जमीन प्रदान करिछन्ति। मद घोटाला सह जड़ित अर्थ हेरफेर मामलें केजरीवाल को आश्वस्ति मिली। 1,00,000 टंकार जमानत राशि आधार में जमीन मिली। अन्य पक्षरे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी पक्षर जमीन विरोध पर 48 घंटा समय मगा जाइछि। आज ड्यूटी विचारपति आगे दलिल उपस्थापना करोर्ट कहते 1,00,000 टंकार बंड राशि आधार में आज केजरीवाल तिहार जेल बाहरी पारे बोली
ବୋଲି ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଘୋଟାଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେଜରିୱାଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।